हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एसेज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2021 के लिए एमपी बोर्ड के लिए होने वाले हैं, दोनों क्लासेस के लिए, चाहे वो क्लास टेंथ हो या चाहे क्लास ट्वेल्थ हो, जनरल हो या स्पेशल इंग्लिश हो, उन सब के लिए मैं इम्पॉर्टेंट एसेज की लिस्ट लेकर आ चुका हूँ। पांच इम्पॉर्टेंट एसेज मैंने दिए हैं, जिसमें से दो इम्पॉर्टेंट एसेज जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी के तीन जो है वो ऐसे हैं जिन्हें हमें सरसरी तौर पर पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं कुछ ऐसी टिप्स दूंगा आपको कि आपको जो है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा मौका आ जाता है कि आपको वो टॉपिक मिलता ही नहीं है एग्ज़ाम में जो हम पढ़कर गए हैं, ढेर सारे टॉपिक पढ़े थे लेकिन उसमें से एक भी नहीं आया, तो उसको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन में, उसकी टिप्स पर भी अपन बात करेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एसेज से। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एसेज से पहले मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो क्लास टेंथ या ट्वेल्थ हो, जनरल हो या स्पेशल इंग्लिश हो, एसेज आपको 7 मार्क्स का आने वाला है एमपी बोर्ड के पेपर में। तो 7 मार्क्स का ऐसे देखने के लिए मिलेगा आपको। उसके अलावा वर्ड लिमिट की अगर अपन बात करें तो 250 वर्ड के आसपास आपको ऐसे लिखना पड़ता है। 250 वर्ड लगभग 3 पेज में होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज, 3 से 5 पेज के आसपास आपको एसेज लिखना पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एसेज की। तो जनरल इंग्लिश क्लास टेंथ की बात करें तो ये वाले जो एसेज हैं, शुरू के 2, यानी एनी ग्रेट लीडर और वंडर्स ऑफ साइंस, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, वो बाकी के जो 3 हैं, जो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और माय हॉबी और इंडियन जो फेस्टिवल है, इसको आपको सरसरी तौर पर यानी ऊपरी तौर पर पढ़ के जाना है, इसकी हेडिंग्स वगैरह पढ़ के जानी है। और अगर आप इसे बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जो 2 है ऊपर के, इन्हें तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है, इनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं दूसरी क्लास की, यानी कि क्लास टेंथ। जनरल स्पेशल इंग्लिश की बात करते हैं, क्लास टेंथ की बात करेंगे और स्पेशल इंग्लिश की। इसमें से जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज निकल करके आ रहे हैं वो है वंडर्स ऑफ साइंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आप कर लीजिए और एक एक चीज़ कर लीजिए इनकी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा जो नीचे जो 3 टॉपिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो जैसे कि एनी बर्निंग प्रॉब्लम, जिसमें से पॉपुलेशन प्रॉब्लम और पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, इसको आप सरसरी तौर पर ऊपरी तौर पर आप देख कर जाएंगे एग्ज़ाम में। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टीवी टेलीविज़न, ये आ सकता है आपको। और जर्नी ऑफ एनी हिस्टोरिकल प्लेस, ये भी आ सकता है अपने को। ओके, तो ये 5 एसेज इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं क्लास टेंथ के लिए, स्पेशल इंग्लिश के लिए। क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो जनरल इंग्लिश में क्लास ट्वेल्थ में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर्स ऑफ साइंस, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेज हैं। इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पूरे तौर पर अपने को पढ़ करके जाना है एग्ज़ाम में। और अगर हम बात करें बाकी के 3 एसेज की, तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये भी आप आने की काफ़ी संभावना है, तो इन्हें भी अपने को अच्छे से करके जाना है। अब हम क्लास ट्वेल्थ के स्पेशल इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट एसेज निकल करके आ रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक है इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनी करंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, जिसमें से पॉपुलेशन या पॉल्यूशन आ सकता है, ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और बाकी की जो 3 हैं, यानी वंडर्स ऑफ साइंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और एनी पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सन आई लाइक द मोस्ट, कोई भी पर्सनैलिटी आपको पसंद है, कोई क्रिकेटर हो या कोई अभिनेता हो या कोई नेता हो, जो भी है उसकी पर्सनैलिटी आपको लिखने के लिए आ सकती है। इसे भी सरसरी तौर पर आपको पढ़ करके जाना है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि अगर वो चीज़ आ जाती है एग्ज़ाम के अंदर जो हमने नहीं पढ़ी है, वो टॉपिक आ जाते हैं कभी जो हमने नहीं पढ़े हैं और उस पर ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? खाली तो छोड़ के आ नहीं सकते कॉपी, तो हमें ऐसे तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं यहाँ पर, कि हमें अगर मन से ऐसे लिखने के लिए आ जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है पिक अ टॉपिक। हमें एक टॉपिक हमें ऐसा लेना है जो कि हमारे इंटरेस्ट का हो, जो भी अपने को टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें से। फिर उसके बाद उस टॉपिक को लेकर हमारा ब्रेन स्टॉर्म करना है अपने को। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आइडियाज़ अपने को आ रहे हैं, जो भी की पॉइंट्स हम उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे दिमाग में आ रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उसको कॉपी के लास्ट पेज पर, लास्ट पेज जो होता है उस पर अपने को लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को कोई ऐसे दिया गया जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, सबसे पहले आ रहा है इंडोर गेम्स, ठीक है, उसके बाद आउटडोर गेम्स आ रहा है, उसके अलावा जो है फिजिकल हेल्थ आ रही है मेरे दिमाग में, ये की पॉइंट आ रहा है, मेंटल हेल्थ आ रहा है, ओके,
और उसके अलावा जो है क्रिकेट मेरे दिमाग में आ रहा है, और बहुत सी चीज़ें जो भी आपको उस टाइम पे उस टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में आ रहा है वो अपने को की पॉइंट बनाकर रफ पेज पर पीछे जो है लास्ट पेज पर लिख लेना है, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में वो टॉपिक्स घूमने लगेंगे और उसके आसपास आप बहुत अच्छा ऐसे तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है ऑर्गेनाइज, यानी जो हमने जो टॉपिक्स चुना है और उसमें से जो पॉइंट्स निकाले हैं और जो आउटलाइंस हमने निकाली है, मेन पॉइंट्स निकाले हैं, उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी कि उसे बनाना और अच्छे से बनाने की कोशिश करना वहाँ पर, जैसी भी हमारी इंग्लिश है उसके बेसिस पर। और जो पेपर है जो पूरा पैसेज वगैरह से भरा होगा उसमें से भी कुछ इंग्लिश छांट सकते हैं अपन, उसमें से भी कुछ जो है स्पेलिंग्स छांट सकते हैं, उसमें से देखकर अपने को जो है टॉपिक ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बी डिस्क्रिप्टिव, अपने को डिस्क्रिप्टिव लिखना है, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन में कोई भी टॉपिक हमने चुना है उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि वर्ड लिमिट का ध्यान अपने को रखना है और टाइम कितना है हमारे पास में वो भी माइंड में रखकर अपने को ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए वर्ड लिमिट से बहुत कम लिख दिया, या वर्ड लिमिट से हम आगे जा रहे हैं, या फिर टाइम नहीं है और लिखे जा रहे हैं, दूसरा काम भी करना है अपने को, या फिर टाइम बहुत ज़्यादा है और हम जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सब चीज़ अपने को बैलेंस करते हुए वहाँ पर एग्ज़ाम में चलना है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन कि पैराग्राफ में लिखना है, तो आप सबको मालूम है कि पैराग्राफ में लिखना होता है ऐसे। उसके अलावा अगर बात करें अपन फर्स्ट कवर दोज पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट सबसे पहले कवर करना है जो हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रेजेंट कर पाएँ एक कॉपी में। ठीक है, और लिखने के बाद लास्ट में हमें उसे रिवाइज करना है। रिवाइज करने से क्या होगा, और पॉइंट्स भी हमारे दिमाग में अगर आते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, या कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें निकल करके आते हैं जिससे अपने को ऐसा लगता है कि वो अच्छे पॉइंट नहीं है तो उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एसेज थे, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा चैनल जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जितने भी मैं इंपॉर्टेंट्स वगैरह देता हूँ उसके PDF भी आपको उस चैनल पर अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।